आज की जो पेंशन है वो सभी पिछले रिटायरीज को उस रैंक और उस ईयर्स ऑफ सर्विस को मिल जानी चाहिए। सरकार ने माना, इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया, लेकिन लागू करते हुए उसमें बहुत सी विसंगतियां डाली कि सेवंथ पे कमीशन में हम गए और जब डेलिब्रेशन हुई तो वहां एक मेंबर थे, आओ आप वन रैंक वन पेंशन मांग रहे हो ओवर आवर डेड बॉडीज। अरे ये वर्ड्स कह रहे हैं, अच्छी बात है, बाद में आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। इसी तरह सिक्योरिटीज कही कि हम सभी को, सभी डिफेंस पर्सनल्स को 60 साल तक दूसरी नौकरी देंगे थ्रू द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अरे क्यों डिग्रेड कर रहे हो अपने सिपाहियों को, क्यों डिग्रेड कर रहे हो सोल्जरिंग को? देशवासियों और सैनिक परिवार के सभी सदस्यों, मैं मेजर जनरल सतबीर सिंह सेना मेडल अपने साथियों के साथ जंतर मंतर से देशवासियों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। आज मैं बात करूंगा कि हम पिछले इतने दिनों से सरकार से प्रोटेस्ट मूवमेंट चला रहे हैं, अपील करके कि हमारे साथ जो इंसाफ हम चाहते हैं, जो आपकी स्कीम्स हैं उसको ग्राउंड पे असली रूप पे लागू करें। हमारे मेजर 2-3-4 पॉइंट हैं, उनको हम चाहते हैं कि सरकार उनको असली तरीके से लागू करे। सबसे पहले है वन रैंक वन पेंशन। वन रैंक वन पेंशन हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, लेकिन ओवरऑल हमारी मूवमेंट का जो एम है वो ये है, रेस्टोरेशन ऑफ रिस्पेक्ट, हमारे को जस्टिस और हमारा स्टेटस जो 15 अगस्त 1947 में जब देश आजाद हुआ वो बहाल किया जाए, ये हमारे मेन ऑब्जेक्टिव है। उसके अंदर हमें सबसे पहले, हम सब ने डिसाइड किया कि जो आज की जो पेंशन है वो सभी पिछले रिटायरीज को उस रैंक और उस ईयर्स ऑफ सर्विस को मिल जानी चाहिए। सरकार ने माना, इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया, लेकिन लागू करते हुए उसमें बहुत सी विसंगतियां डाल दी। हमारा दूसरा रिक्वायरमेंट है, हर एक वर्ग का अपना अपना कमीशन बना हुआ है जहाँ के बात कृषि कर सके। हमारे फौजियों का कोई ऐसा कमीशन नहीं जैसे कि वुमेन कमीशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में भी हमारे फौजियों का एक्स सर्विसमैन कमीशन बने जिसका हेड चेयरमैन भी एक्स सर्विसमैन हो और उसके सभी मेंबर्स भी एक्स सर्विसमैन हो। सरकारों ने इसका ज़रूरत समझी लेकिन आज तक ग्राउंड पे लागू नहीं किया है। तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो है, सरकार ने बहुत पहले हमें बताया कि हम सभी को, सभी डिफेंस पर्सनल्स को 60 साल तक दूसरी नौकरी देंगे थ्रू द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, अश्योर्ड सेकंड कैरियर टिल द एज ऑफ 60 इयर्स टू एवरी डिफेंस पर्सनल थ्रू द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये बोला लेकिन ग्राउंड पे लागू नहीं किया, ये हमारी जरूरताएं हैं। फिर लास्टली स्टेटस, तो क्या है हमारा स्टेटस? हर रोज सरकार और जो बाबू ब्यूरोक्रेसी है इनका पोलिटिको ब्यूरोक्रेटिक, मैं तो यही कहूँगा स्कीमिंग और नेक्सस, जिससे फौज को हर रोज डीग्रेड किया जा रहा है, डाउनग्रेड किया जा रहा है। जैसे कि जब देश आज़ाद हुआ तो जो हाईएस्ट रैंक पुलिस इन एनी स्टेट वाज इक्वलेंट टू ए कर्नल, इट केप्ट ऑन इंक्रीजिंग टू ब्रिगेडियर टू ए मेजर जनरल एंड नाउ लेफ्टिनेंट जनरल, एंड देयर आर नंबर ऑफ डीजीपीज हु कॉल देमसेल्फ सीनियर टू लेफ्टिनेंट जनरल्स आर इक्वलेंट टू लेफ्टिनेंट जनरल्स। देयरफॉर हमारा 4 स्टेप डाउन कर दिया। एक हमारा जवान जो आज के कंप्यूटर चलाता है, वो मिसाइल चलाता है, वो सभी तरह का आधुनिक वेपन सिस्टम चलाता है, उसका ग्रेड पे केवल 2000 और एक पियोन का ग्रेड पे 2200 रुपया, उससे भी नीचे। क्या ये हमारे देश का ग्रेडेड थिंग है? सेकेंडली हमारा सुबेदार मेजर साहब जो सीनियर मोस्ट क्लास 2 गजेटेड ऑफिसर है फौज का, उसको इक्विवेलेंट कर दिया सिविलियन क्लास 3 के बराबर और उसका उन्होंने डिग्रेड कर दिया। इसी तरह हमारा नायब सूबेदार साहब
जो ग्रेजुएटेड क्लास टू स्टार्ट होता है उसका ग्रेड पे 4,000 रुपया, उसी के लेवल में इवन सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस लाइक बीएसएफ, सीआरपीएफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनका ग्रेड पे 4,200 रुपया कर। अरे क्यों डिग्रेड कर रहे हो अपने सिपाहियों को, क्यों डिग्रेड कर रहे हो सोल्जरिंग को? ये डिग्रेडेशन ऑफ सोल्जर्स, अभी उन्होंने और खोल दिया, हमारी कंटोनमेंटों को खोल दिया कि जहां मर्जी कोई उधर आना शुरू कर दे। अरे क्या मतलब है? हमारे जवान जो सरहदों पे तैनात हैं, उनके बच्चे यहाँ रह रहे हैं, आप सभी को आने जाने कर रहे हो, फिर बोलोगे कि इंटेलिजेंस ये हो गया, इंटेलिजेंस वो हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। तो ये अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि हमारा रेस्पेक्ट, हमारे साथ जस्टिस और हमारा स्टेटस को जल्दी से जल्दी सरकारें बहाल करें। दूसरी बात, हमारे जो वन रैंक वन पेंशन एक्स सर्विसमैन कमीशन, हमारी सर्विस 60 साल तक दूसरी थ्रू द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और हमारे जो विडोज और रिजर्विस्ट जो आपने आउट कर दिए थे, उनका जो प्रे जो है वो एक सिपाही के बराबर, और जो भी कमेटी या कमीशन आप बनाते हैं उसमें हमारा एक्स सर्विसमैन या सर्विंग सोल्जर्स का ऑफिसर्स जेसीओ जवान मेंबर एक जरूरी है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो जो मर्जी पास कर दे। जैसे कि 7th पे कमीशन में हम गए और जब डेलिब्रेशन हुई तो वहां एक मेंबर थे, आओ आप वन रैंक वन पेंशन मांग रहे हो ओवर आवर डेड बॉडीज। अरे ये वर्ड्स कह रहे हैं, अच्छी बात है, बाद में आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। इसी तरह सिक्योरिटीज गई, उन्होंने भी ऐसे लफ्ज बोले गए, हमें दुख होता है। सोल्जर इस देश का सिपाही है, देश को वो प्रोटेक्ट करता है, देश पूरा अच्छी नींद सोता है क्योंकि आपका सिपाही सरहदों पे महफूज रखता है पूरे देश को। आप इसको इज्जत दें, आप इसको इंसाफ दें, आप इसको ड्यू स्टेटस दें सोसाइटी के अंदर, ताकि आने वाली पुश्तें, हमारे बच्चे, आने वाले जो संतानें हैं, वो देश को डिफेंड करने के लिए, सिपाही बनने के लिए तैयार हो। यही मेरा कहना है। भारत माता की जय। भारत माता की जय।